थाना में भी थाना में मारते चार दिन उनको थाना में रखा कितना दिन पिता का अपहरण कर लिया कौन किया सोनी चौबे का रिलेटिव जबरन जमीन लिखवाने के लिए रजिस्ट्री करवाने के लिए अपहरण किया था थाना में भी मारपीट हुआ है क्या हुआ तुम्हारे साथ रघुनंदन चौबे पूर्व दुकान चौबे मेरा मैं मेरा ये देखिए आपका लस काट के एक तारीख को उठाया हमको। कहने को तो बिहार में लगातार 17 वर्षों से सुशासन की सरकार है और पूरे बिहार में सुशासन की सरकार होने का ढिंढोरा भी पीटा जाता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, लेकिन इसी सुशासन की सरकार में प्रशासन तंत्र व राजनीतिक संरक्षित माफिया के द्वारा एक विधवा महिला के ऊपर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की महिला रीना झा के साथ हो रही है। पिता का अपहरण कर लिया कौन किया अश्वनी चौबे का रिलेटिव अश्वनी चौबे का रिलेटिव उसी का चचेरा भाई है बतिया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर दरियापुर हुआ। दरियापुर अपहरण क्यों किया? अपहरण उसको पता नहीं है एक तारीख को किया था उसके बाद जबरन जमीन लिखवाने के लिए रजिस्ट्री करवाने के लिए अपहरण किया था। उसके बाद हम सजौर थाना को फोन किए तो रिकवरी कर लिया। रिकवरी करके वहाँ बिना केस का सर कोई केस मेरा बेटा नहीं है। चार दिन से उसको रखा था मार के अलग करा कर दिया। उसके बाद मैं अपहरण करके पता नहीं कर दिया है सर उसका। अभी लड़का कहाँ है आपका? अभी भी लड़का मेरे पास नहीं है। आज रजिस्ट्री भी करा दिया मेरा तो घर हो गए। जमीन लिखवा लिया? घर लिखवा लिया मेरा। मामला 1 जून का है जिस दिन रीना झा के पुत्र रूपेश कुमार झा को गांव के ही दबंग रघुनंदन चौबे उर्फ दुखरन बाबा त्रिपुरारी चौबे उर्फ बावन चौबे चंपू चौबे एवं उज्जवल चौबे के द्वारा जबरन जमीन लिखवाए जाने को लेकर दिन के लगभग 3 बजे शिवालय रोड पर से मारपीट करते हुए घसीट कर जबरन उठाकर अपने साथ लेकर चला गया। जिसके बाद रूपेश कुमार झा की माँ के द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दी गई जिस पर स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद अनहोनी की आशंका से घबराई मां 2 जून को वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन के माध्यम से सूचना दी। उसके बाद भी रूपेश कुमार झा का कोई अता पता नहीं चला। वहीं 3 जून को ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि इसको थाने में ही रखा गया है। थाना प्रभारी से पूछने पर बताया गया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है। दोबारा थाना प्रभारी से पूछने पर बताया गया कि रूपेश कुमार झा को छोड़ दिया गया है, लेकिन घर नहीं पहुंचने से परिजन काफी भयभीत थे। इसी बीच ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि उसको जबरन जमीन लिखवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पुलिस गाड़ी से ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही मां रीना झा परिजन और ग्रामीणों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची तो देखा कि थाने की गाड़ी से उसका पुत्र रूपेश कुमार झा जमीन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस लाया गया है। इस दौरान जब रीना झा उसके परिजन और ग्रामीण रूपेश से बात करना चाह रहे थे तो पुलिस के लोग इन लोगों के साथ हाथापाई भी की। इस दौरान रूपेश जब कैमरे के सामने दबंगों और पुलिस वालों की करतूत बतानी चाहिए तो पुलिस फिर से उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चली गई। थाना में भी मारपीट हुआ है? थाना में भी थाना में मारपीट? चार दिन उनको थाना में रखा। कितना दिन? चार दिन। क्या हुआ तुम्हारे साथ? रघुनंदन चौबे पूर्व दुकान चौबे मेरा मेरा ये देखिए आपका लस काट के एक तारीख को उठाया हमको। कौन उठाया था? दुकान चौबे चंपू चौबे।
अरे सुनो सुनो, अरे नहीं मारपीट कौन शुरू किया? किस मामले में उठाया था तुमको? किस मामले में उठाया? हम यहाँ बोलेंगे। किस मामले में उठाया? इस बीच आज जब मां रीना झा को पता चला कि गांव के दबंग लोग पुलिस के साथ रुपेश को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और जमीन रजिस्ट्री करवा लिया, तो परेशान और अपने बेटे की सकुशल बरामदगी को लेकर चिंतित मां रीना झा भागलपुर के समाहरणालय गेट पर आकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे की सही सलामत बरामदगी और जमीन वापस की गुहार लगाने लगी। कौन उठा के लाया था? वही लोग, वही बदमाश लोग लाया था, खोखा चौबे हमको मार बैठा सर, मार बैठा। उसके बाद पुलिस जो जबरदस्ती मेरा बाटू बेटा को गाड़ी में बैठा के ले गया सर। कौन पुलिस, कौन थाना? सजौर थाना ले गया सर। शनिवार को? जी सर। कहाँ से ले गया? यही सर कचहरी के रजिस्ट्री ऑफिस के गेट के पास से। थाना का गाड़ी था? जी सर थाना का गाड़ी था सर। हमको धक्का दे दिया सर, खोखा चौबे मारा हमको। सब मिला हुआ है इसका मतलब? सजर तनों की मिली भगत से सर, अपना बेटा को बिना केस का 4 दिन से जेल में बंद रखा सर। उसका हालत देखिए सर, मिलेगा बेटा तो देखिएगा सर, मार मार के इसका हालत। क्या क्या विनती है आपका, क्या अपील है, क्या चाहते हैं आप? हम सर यही चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरा घर दोनों वापस चाहिए सर। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? रामचरित्र मंडल। रामचरित्र मंडल जी, कहाँ घर हुआ आपका? क्या मामला है, कुछ जानकारी है आपको रीना झा? हाँ जानकारी है। क्या जमीन रजिस्ट्री करने के कराने के लिए इनको किंडम किया गया और दरोगा के माध्यम से आज से 6 दिन तक उनको कस्टडी में बिना कोई केस का, बिना केस का, न रिमांड किया न कुछ किया, और दरोगा के माध्यम से आज रजिस्ट्री करवाया गया आज के दिन में। जी हाँ, अब फिर लौटा करके सदर थाना ले गया। मतलब आपने देखा ही है अपनी आंखों से? देखा कचहरी के अंदर सदर थाना का गाड़ी था। उसी गाड़ी में लाया? गाड़ी गाड़ी किसी दूसरे का था, थाना का गाड़ी नहीं था। थाना पुलिस थी? जी हाँ पुलिस। मामला जो भी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो तस्वीर पुलिसिया कार्रवाई की सामने आई है, वो कहीं न कहीं खाकी को दागदार करते दिख रहा है।